अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही मोटिव है कि आप लोगों को इतने आसान अल्फाज में समझाना है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपने अगर नहीं करनी तो शायद किसी और का भला हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कार्डानो के बारे में और उसकी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं अपने पोर्टफोलियो में भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से अल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ और कितने अरसे तक मैंने उसको इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। इस चैनल के ऊपर मैं आगे बहुत सारी और वीडियोज़ पोस्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस छोटा छोटा सिखाऊंगा और उसके अलावा ये भी सिखाऊंगा कि आपने किस वक्त कौन से कॉइन में एंटर होना और उसमें से एग्जिट होने की स्ट्रैटेजी क्या। आप देखें किसी ने कार्डानो खरीद लिया, अब उसमें से अपने पैसे निकालने का है। अच्छा, दूसरी बात, अगले टॉपिक पे चलने से पहले बड़ा ज़रूरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए, इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए और उसके बाद आप अपनी रिसर्च करें, अपनी तसल्ली करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें अगर आप करना चाहते हैं। क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे होती है बहुत तेज़ी से। इस ऊपर नीचे में पैसे कमाने के भी बहुत सारे मौके हैं, पैसे खोने के भी बहुत सारे मौके हैं। तो कोशिश करें कि वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसमें आपको अगर होल्ड करना पड़े या कोई लॉस हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि बहुत ज़्यादा। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी का जो मैंने चैनल शुरू किया है ये आप लोगों को सिखाने के लिए किया है। मुझे अभी पीछे मेरे ख्याल से मैंने पिछले 3 दिन बहुत बोला है तो मैं अभी तक थका हूँ। मेरी मीटिंग हो रही थी, मैंने आप लोगों के साथ ही मीटिंग की है, मेरे दूसरे चैनल ताशिफाई से आप लोगों ने बुक की थी मीटिंग। तो मुझे उस मीटिंग के दौरान पता लगा कि मेरी इन वीडियोस को देख के बहुत सारे लोगों ने कार्डानो ख़रीदा। ठीक है, ये मैंने वीडियो पोस्ट की थी कार्डानो के ऊपर, यहाँ पर 2 वीक्स पहले मैंने कार्डानो के ऊपर वीडियो पोस्ट की थी। मेरी एक आदत है, मैं या तो पढ़े बगैर या कोई ऐसी चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जिसमें मैं खुद नहीं हूँ। ठीक है ना, मैंने 2 वीक पहले कार्डानो खरीदा था, वो मुझे कहते थे ताबिश भाई हमने आपके कहने पे कार्डानो खरीदा, हमारे पैसे अब डबल हो गए, बाकी डबल और 3 गुना हो गए पैसे, अब क्या कार्डानो बेच देना चाहिए या उसको होल्ड करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं जी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। बड़ा क्विकली आप अगर ये देखें कि कार्डानो जो सा है वो इस वक्त 6ठे नंबर पर है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कार्डानो इस वक्त जो सा है 6ठे नंबर पर है और पिछले 24 घंटे में इसकी प्राइस गिरी है थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ा सा पहले ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समझ ले। इथेरियम जो है ना, इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक है, इथेरियम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की ट्रांजैक्शन, इसी तरह बिटकॉइन का एक अपना नेटवर्क है। जब ये कोई ट्रांजैक्शन करते हैं अपने नेटवर्क पे तो उससे ये पैसे चार्ज करते हैं आपसे। ठीक है, इथेरियम अभी बड़ा महंगा है, इथेरियम 2.0 आ रहा है, यूनिस्वैप भी अपना एक अपडेट लॉन्च कर रहा है, उसके बाद इथेरियम के ऊपर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन हुआ क्या, ये इसी तरह ही है जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आपके पास मोटरवे पर जाने का एक रास्ता है, आप GT रोड से जा सकते हैं और या और किसी छोटी छोटी रोडों से जा सकते हैं, हर रोड पर जाने का उसका एक टैक्स है। ठीक है, GT रोड से जाएंगे वो कहेंगे जी इतने पैसे लगेंगे, इथेरियम से जाएंगे वो कहेंगे मोटरवे से जाएंगे वो कहेंगे इतने पैसे लगेंगे। ये जो टैक्स है टूल आपके ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे करने का, वो ये नेटवर्क चार्ज करते हैं। अब हुआ ये है कि जो कार्डानो है, कार्डानो का जो फाउंडर है वो एक्स इथेरियम फाउंडर है, यानी कि उसने इथेरियम भी बनाया हुआ, तो उसने बाद में इथेरियम छोड़ दिया और उसके बाद कार्डानो बनाया। उसको पता था कि इथेरियम के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उसने वो ड्रॉबैक्स कार्डानो में ख़त्म किए हैं। तो कार्डानो को इसलिए कह रहे हैं 3rd generation ब्लॉकचेन, ये एक नेटवर्क बना है। अब कार्डानो का एक बहुत मेजर अपडेट आ रहा है मार्च के शुरू में, जिसको मेन नेट बोलते हैं। उससे होगा क्या कि कार्डानो की, मैं फिर बहुत ज़रा टेक्निकल नहीं समझा रहा आपको, कार्डानो की जो एफिशिएंसी है वो 50-100% और बढ़ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं इथेरियम की प्राइस स्टैग्नेंट हो गई, ऊपर नहीं जा रही। हालांकि इथेरियम और कार्डानो का भी कोई मुकाबला नहीं है, इथेरियम का तो 2nd नंबर की ब्लॉकचेन है, लेकिन लोग बड़ी तेज़ी से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कार्डानो के अंदर। इसमें आपके और मेरे लिए क्या मतलब है, फ़ायदा यह है हमारे लिए, मतलब की बात यह है कि क्योंकि कार्डानो इस वक्त स्पॉटलाइट में है, लोग पैसा पुट कर रहे हैं तो इसकी प्राइस ऊपर पंप होनी है। तो इस वीडियो के मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी, आपको बेचना चाहिए भी या नहीं बेचना चाहिए।
आप ये समझें कि कार्डानो, पोलकाडॉट और क्वाइनबेस, ये तीनों एक तरह से आप ये समझें कि तीनों एक तरह से कंपेटिटर हैं इथेरियम के। पहले इथेरियम अकेला था गेम में, ठीक है, अब ये तीन आ गए। आपने देखा कि क्वाइन बेस की प्राइस बहुत तेज़ी से उठ गई है, 103% पिछले 7 दिनों में बढ़ी है। किसी ने अगर वीडियोस देखी हो मेरी पहले, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में बताया था मैंने क्वाइन बेस भी लिया, वो मैंने $40 का लिया था। इस वक्त उसकी प्राइस हो गई हुई है 277। क्या ये बहुत थोड़ी, क्या इस वक्त टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का? मेरे ख्याल से है। इस कॉइन का पोटेंशियल 500 से $1,000 तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अलग से वीडियो मैं आपको डिटेल में बनाऊंगा, उसकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा क्यों जा सकता है। पोलका डॉट एक बड़ा मेच्योर प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ। मैंने आपको अभी, मैं आपको इस वीडियो के एंड पे अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से ऑल्टकॉइन में किया हुआ इन्वेस्टमेंट। तो पोलका डॉट के अंदर भी इसकी प्रिडिक्शन कह रहे हैं कि जी यह ऑलमोस्ट $80 to $100 टच कर सकती है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो उनसे ना शॉर्ट टर्म ना सोच के करें, लॉन्ग टर्म करें। हाँ, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, आपने कार्डानो में $1,000 डाला था, आप 3,000 हो गया, निकाल लें, लेकिन 2,000 निकाल लें, सिर्फ 1,000 पड़ा रहने दें, प्रॉफिट निकाल लें, या एटलीस्ट आपने जो लगाया था वो निकाल लें, प्रॉफिट पड़ा रहने दें। ये स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा कि आपने कैसे वक्त के साथ साथ अपने पैसे निकालते जाने और कैसे एसेट को होल्ड भी करके रखना। अच्छा, लेकिन ये जो कार्डानो का मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसकी प्राइस के ऊपर चलते हैं। इसका एक तो भाईजान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है मार्च के शुरू में। तो अगर मेरे पास कार्डानो हो तो मेरी सजेशन, या बल्कि मेरे पास बिल्कुल हैं कार्डानो, और आई एम गोइंग टू, मैं इसमें और मनी पंप करने वाला हूँ आज या कल में। देखिए, पिछले 24 घंटे में 5.9 गिरा है मेरे पास, मुझे आज इसको बाय करना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस करेक्शन हो रही है। ऊपर गई थी, करेक्शन हो रही, फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन हो रही है। अच्छा जी, अब करना क्या चाहिए आपको? मैं इसमें और पैसे पुट इन करने लगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसका जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है ओवरऑल, इसकी जो साउंड है, साउंड ग्राउंड है इसका। दूसरी बात, इसकी इसका जो इसके पीछे जो इसके डेवलपर हैं, जो इसकी टीम है, वो बड़ी स्ट्रांग है। तीसरी बात ये है, इसका ये छठे नंबर के ऊपर मार्केट कैप वाइज आगे, कोई छोटी बात नहीं है। ये कहाँ से उठ के छठे नंबर पे आया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है मेरी इस वाली वीडियो को देख के, मैं अगेन आप लोगों को कोई पुश नहीं करता इन्वेस्ट करने के लिए, मेरी इस वाली वीडियो को देख के मैंने लिखा था कार्डानो इज़ नेक्स्ट बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये मैंने क्या लिखा था, मैंने इस सेंस में लिखा था कि जो एक नया नेटवर्क आ रहा है जो कि चैलेंज करेगा बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस को, जो वो टूल लेते हैं, तो और वो हो रहा है, बहुत सारे लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब ये कार्डानो का जो नया अपडेट आएगा उसका मतलब क्या है, उससे होगा क्या? बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं प्रॉबली उठ के अगले कुछ अरसे में वो इथीरियम से उठ के कार्डानो पे आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइस जो उनसी है, ये खाली मार्च का मैं तो आपको बता रहा हूँ, इट दिस प्राइस कैन गो अप टू $10, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उतना ही पैसा लगाएं जितना आप लूज़ करने या होल्ड करने का वो कर सकते हैं। कार्डानो इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोजेक्ट भी अच्छा है, तगड़ा प्रोजेक्ट है, बिजनेस केस भी अच्छा है, अडेप्शन भी हो रही है, और इनकी जो मेन बड़ी अपडेट आ रही है उसके बाद बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नज़र पड़ेगी और फिर इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। मार्च के महीने में कह रहे हैं कि इसकी प्राइस जो सी है $2 से $3 तक जा सकती है, विच इज़ वेरी वेरी बिग जंप फॉर दिस लेवल ऑफ नेटवर्क। तो मेरी सजेशन ये है कि जी आपने अगर कार्डानो होल्ड किया हुआ है या बाय किया हुआ है थोड़ा सा, उसको होल्ड करके रखें एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ मार्च, और एटलीस्ट तब तक जब जब इनका ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, और फिर उसके बाद देखें प्राइस गई है ऊपर, तो फिर अगर आपने एग्जिट लेना तो ले लें। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने आपसे ये कहनी है कि जिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि ताबिश अब यार ये $1 का हो गया ऑलरेडी, ख़रीदें हम कार्डानो के, नहीं, मेरी सजेशन ये है कि इट्स अ गुड प्राइस टू बाय दिस। आपने खुद अपना मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी करनी है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इवन ये जो प्राइस है आज 1.05 इसकी प्राइस है, इस प्राइस पे भी ये बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, इसका पोटेंशियल आगे बहुत अच्छा है। ये देखें,
14 दिन पहले इसकी प्राइस, 14 दिन में ये 60% इंक्रीज हुआ है, 30 दिन में 200% इंक्रीज हुआ है। ये इस तरह के कॉइन होते हैं जो आपको बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाते हैं आपके पोर्टफोलियो को। अच्छा, और इस वक्त नेचुरल है ना, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है ना बहुत ज़्यादा बाय हो रही है इसमें। अगर मैं आपको इसका, मैं मेरा मोटिव नहीं है आप लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें दिखाने का, लेकिन मैं अगर आप लोगों को कोई चीज़ कह रहा हूँ तो वो थोड़ा सा देख के कह रहा हूँ। ये देखें, इस वक्त बड़ी ही अच्छी पोजीशन पे है, ओवरबॉट भी नहीं हुआ हुआ, ठीक है। RSI भी इसकी बिल्कुल सही जगह पे है, और अब इसकी प्राइस, ये अपनी इसने करेक्शन की है, करेक्शन करके इसने दोबारा से करना। अगेन कोई टेक्निकल नहीं, मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाना है इस चैनल के ऊपर, लेकिन मैंने आपको साथ साथ सिखाना भी है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं, वो मैं सिखाऊंगा बड़े ही आसान छोटी छोटी वीडियोस बना के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और अगर किसी ने कार्डानो होल्ड किया हुआ है तो उसको रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट मार्च तक वेट करें अगर उसने बेचना है, और आप यू विल बी हैप्पी, मेरी सजेशन ये है। और दूसरा, अगर किसी ने एंटर होना है कार्डानो में तो स्टिल अभी बड़ा अच्छा टाइम है कार्डानो में एंटर होने का। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें। मेरी इन वीडियोस को जब आप देखते हैं एटलीस्ट किसी दो सोशल मीडियाज़ के ऊपर जहाँ पे आप हैं उस पे शेयर कर दिया करें, उसका बड़ा फ़ायदा होगा मुझे। अपना बहुत, ओए मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो तो बताया नहीं। अच्छा जी, आज अभी तक मेरा जो सा पोर्टफोलियो है, अभी तक जो मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है वो है जी, नहीं जी, ये मेरा पोर्टफोलियो आ गया। मेरे पोर्टफोलियो में पिछले जब से मैंने स्टार्ट किया है 60% इंक्रीज़ हुआ है। मैंने 23rd जनवरी को बाय करना शुरू किया था डिफरेंट आल्ट कॉइन्स को, और अभी तक मेरे पास पिछले 24 घंटे में 4% इंक्रीज़ हुआ है। मैं टोटल आपको बता देता हूँ, मैंने कार्डानो सबसे बड़ा है मेरे पोर्टफोलियो में, 30% मैंने अपने पोर्टफोलियो का कार्डानो रखा हुआ है, स्वाइप रखा हुआ है 2%, बाइनांस कॉइन रखा हुआ 5%, उसके बाद इथेरियम है मेरे पास 12%, एक और नेटवर्क है फैंटम, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, ये वाली जाके देखें, ये वीडियो है, नहीं, टू आल्ट कॉइन डायमंड कौन से हैं, आल्ट कॉइन के डायमंड कौन से हैं। अभी मैंने इसमें रिकमेंड किया था फैंटम को, फैंटम मेरे पास काफ़ी बड़ा पड़ा हुआ है तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर कार्डानो मेरे पास 30% है तो फैंटम 19% मेरे पोर्टफोलियो का बनता है। फैंटम मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला कॉइन है, आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। फैंटम, इसको अगर आप देखें, इसकी बड़ी तेज़ी से इसकी डेवलपमेंट हो रही है। 30 दिन के अंदर जो उनसे आई है 1400% बढ़ा, उसके बाद 14 दिनों में ये 212% बढ़ा, और उसके बाद 7 डेज में 141% बढ़ा। बात है ये कहने की कि मुझे ना, मैंने जब आप लोगों के साथ वो सेशन किए, वो जो मेरे फ्री सेशन थे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के, अगर आप लोगों ने करने होंगे मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा, ताबिश भाई हमने आपकी वीडियो देखी और हमने कार्डानो खरीद लिया, मेरे पैसे डबल हुए। मैंने कहा वेरी गुड यार, लेकिन मेरी बात सुने, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है मेरे ऊपर भी कि मेरे कहने पर आप लोग खरीद रहे हैं, तो मैं इस तरह से कोई चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बस जाएं मेरे कहने पे ब्लाइंडली पैसा डाल दें। थोड़ा सा अपना पढ़ें भी, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बस टिप्स दूँ, मेरा मकसद ये है मैं आपको सिखाऊँ, आप किसी के डिपेंडेंट ना हो, आप खुद से कर सकें सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये फैंटम में मैं बिलीव करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, 7 दिनों के अंदर ये मेरा जोन सी है इन्वेस्टमेंट 141% बढ़ी है 7 डेज। अगर मैंने $100 लगाया था तो वो $140 हुआ है, इस ह्यूज, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट भी बड़ा अच्छा है, ये कार्डानो की तरह प्रोजेक्ट है, जैसे कार्डानो आज से 2 साल पहले जो उसकी पोजीशन थी वो इसकी आज है। तो अगर आपने कार्डानो से भी छोटी किसी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो ये वाला है। तो मैंने फैंटम होल्ड किया हुआ, उसके बाद बिटकॉइन है मेरे पास थोड़ा सा, और उसके बाद मेरे पास पोलका डॉट रखा हुआ, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी, बिट टोरेंट है मेरे पास। तो ये यार सारे का सारा मेरा पोर्टफोलियो है, बाकी छोटे छोटे कॉइन्स रह जाते हैं, लेकिन कार्डानो की ये वीडियो थी उसका मैंने आपको बता दिया कि बड़ी मेजर अपडेट आ रही है, तो
लेट्स सी व्हाट हैपन। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और वीडियोज आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।